तस्वीरें टीकरी बॉर्डर बहादुरगढ़ की हैं, जहां किसान आंदोलन के चलते राजधानी दिल्ली जाने के रास्ते बंद पड़े हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर यहां के स्थानीय लोगों और उद्योग से जुड़े व्यापारियों को हो रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट और मानव अधिकार आयोग के दखल के बाद हरियाणा सरकार देश की राजधानी दिल्ली के बंद रास्ते खुलवाने के लिए सक्रिय हो गई है। हाई पावर कमेटी का गठन भी कर दिया गया है, जो कल सोनीपत में संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं से बात भी करेगी। हालांकि किसान संगठन पहले ही कह चुके हैं कि रास्ते उन्होंने नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस ने बंद किए हैं, फिर भी वो सरकार की कमेटी से बातचीत के लिए तैयार है। सोनीपत में सिंघू बॉर्डर और झज्जर में बहादुरगढ़ के टीकरी बॉर्डर को पूरी तरह से सील किया हुआ है, जिसके कारण दोनों मुख्य बॉर्डरों से आवागमन पूरी तरह से बंद है। झज्जर बहादुरगढ़ के टीकरी बॉर्डर से हर रोज लाखों वाहन दिल्ली आवागमन करते थे, लेकिन मजबूरी में अब वैकल्पिक रास्तों के जरिए लोग दिल्ली आवागमन को मजबूर हैं। झज्जर के जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया भी लगातार बॉर्डर पर आवागमन सुचारू करने के लिए नजर बनाए हुए हैं। एक तरफ किसान संगठनों से टीकरी बॉर्डर खुलवाने के लिए संपर्क किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एसडीएम बहादुरगढ़ को दिल्ली से जुड़ने वाले वैकल्पिक रास्तों को सुधारने और सुरक्षित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जो तीन कृषि बिलों को लेकर जो जिस तरह से धरनारत किसान हैं, अपने टीकरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, तो लगातार जो व्यापार संगठन हो या आम आदमी हो, उनकी तरफ से ये रिप्रेजेंटेशंस भी आते रहे हैं, और इस संबंध में किसान संगठनों से भी हमारी बातचीत होती रहती है कि किस तरह से हम आमजन की जो असुविधाएं हैं उनमें कमी लाएं। तो इसी क्रम में अभी हाल ही में जो व्यापार संगठन थे उनके प्रतिनिधियों से भी मुलाकात हुई थी, और सबका यही कहना था कि जो जब तक इसका कोई ठोस समाधान नहीं होता, जब तक मेन जो रूट है ये नहीं खुलता, तब तक जो अल्टरनेट जो रास्ते हैं उनको सिक्योर किया जाए, उनमें जो पोर्टहोल मेंडिंग भी करवाई जाए। तो इस संदर्भ में जो एसडीएम बहादुरगढ़ है उनको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, और चूँकि वो एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं म्यूनसिपल काउंसिल के, तो वो इसको देख रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि आने वाले निकट भविष्य में ये रास्ते भी अच्छे से तैयार कर दिए जाएंगे। साथ ही जो हरियाणा सरकार की तरफ से हाई पावर कमेटी बनाई गई है, मैं समझता हूँ कि जो किसान संगठनों से हो या दिल्ली पुलिस से बातचीत करके इस मामले में जल्दी एक हल निकलने की हमें उम्मीद है, और हम समझते हैं कि जो टीकरी बॉर्डर का जो मेन रास्ता है उसको आने वाले समय में एटलीस्ट एक तरफ से आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। अब चूंकि सर झाड़ूदा बॉर्डर में बढ़ जाएगी, लिंक रास्तों को दुरुस्त किया जा रहा है। हाँ, लिंक रास्तों की वजह से मैंने बताया कि झाड़ूदा बॉर्डर कल शाम से ही कुछ पंजाब की तरफ से कुछ संगठनों का जमावड़ा वहाँ पे देखा गया था, वो दिल्ली पुलिस की तरफ से उसको बॉर्डर को बंद किए जाने की खबरें हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में जो अन्य वैकल्पिक रास्ते हैं जो दिल्ली से आने जाने के, उनमें और अधिक हमें फोकस करना होगा, और उस संबंध में हम ऑलरेडी कार्रवाई कर रहे हैं। जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने बताया कि आम आदमी और व्यापारी संगठन भी यही मांग कर रहे हैं कि जब तक टीकरी बॉर्डर नहीं खुलता, तब तक वैकल्पिक रास्तों को सही और सुरक्षित करवाया जाए। उन्होंने कहा कि हाई पावर कमेटी का गठन भी हो गया है, जो किसान संगठनों के साथ दिल्ली पुलिस से भी बात करेगी, और उम्मीद है कि जल्द ही टीकरी बॉर्डर का एक तरफ का रास्ता खुल जाएगा। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।